बहुत सी बातें हैं इसमें कर सकते हैं, वो करेंगे। एक एग्जाम्पल आप ही की तरफ से शायद आया कि भाई थोड़ा ऐसा कुछ किया जाए जो बड़े शॉर्ट प्रेडिक्शन होते हैं, है ना, जल्दी में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, विल आई बी एबल टू बाय लैंड? अब ये सब बड़ा शॉर्ट वाला है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक और उसको शायद यस, ये हॉरोस्कोप है। 24 नंबर सीट नंबर दिया गया है, सीट नंबर 24 आउट ऑफ 249। इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाना है, सब लॉर्ड के प्रॉमिस पे नहीं जाना है, और आंसर देना है कि क्या ये सब नो वाला है, होगा कि नहीं होगा, ये जमीन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। सो जो आंसर दिस क्वेश्चन, इसके कुछ रूल बताए गए बनाए गए। तो एक रूल जो है ये, इसको आप अगर जानते हो, ये गुलबर्ग का थ्योरी कहते हैं इसको। उसमें कहता क्या है, दो रूल है इसके। रूल पहला ही है, पहला एप्लीकेबल नहीं होता तो दूसरा रूल अप्लाई किया जाता है। इफ द असेंडेंट सब लॉर्ड, ये केपी की थ्योरी ही है, इसलिए सब लॉर्ड तक रहती है, सब सब पे नहीं जाती। इफ असेंडेंट सब लॉर्ड, दैट इज टाइम का असेंडेंट नहीं, सीड नंबर के अकॉर्डिंग असेंडेंट, असेंडेंट सब लॉर्ड इज, और मून स्टार लॉर्ड, मून स्टार ये हो गया। साथ साथ कहता है कि लग्न जो असेंडेंट, असेंडेंट का सब लॉर्ड वो मून हो जाए, या फिर मून का एनएल हो जाए, सॉरी लगन का नक्षत्र लॉर्ड हो जाए वो। तो ये जो कंडीशन है ये कहता है कि उसमें आप यस कह सकते हैं कि हाँ काम होगा, और वो आरपी में आना चाहिए, रूलिंग प्लेनेट में से होना चाहिए ये। अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो, जैसे सपोज कीजिए कि सीट नंबर दिया गया मुझे, एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई सीट नंबर को लिया, सर 84 लिखी। ठीक है, 84। ये 84 जो सीट नंबर है, इसका क्या पोजीशन बनता है, याद है कुछ? अगर आपके पास चार्ट होगी तो चार्ट देखिएगा, जी सर, वन मिनट निकाल लेता। ये देखिए 84 यहां पर, ये आपका लियो में शुरू ही हुआ है, इसको बोलिए लियो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। तो इसका रूलर कौन हो जाएगा, इसका सन एज राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड हो जाएगा केतु, केतु, और सब लॉर्ड हो जाएगा केतु। ये हो गया। तो जो अभी रूल कहता है असेंडेंट सब लॉर्ड, सीड नंबर के अकॉर्डिंग जो बना है, सीड नंबर के अकॉर्डिंग बना है सब लॉर्ड केतु। अगर ये केतु मून होता, केतु नहीं होता मून होता, तो हम आंसर करते कि यस होने वाला है, इसका आंसर है कि नो। अभी नो के लिए एक और शर्त है, अभी नो भी क्लियर नहीं कहेंगे, लेकिन यस नहीं हुआ। दूसरा जो रूल कहता था, दूसरा इसी में जो बता रहा है कि लग्न के एनएल जो हो वो मून हो, नक्षत्र लॉर्ड, वो नहीं हुआ। जब ये पहला रूल अप्लाई नहीं हो तब दूसरे रूल पे कहता है कि दूसरे रूल पे आइए। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर वो एबव कंडीशन, तो तीन चीजें को रूलर कहलाती है, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, और अगर सीआईएल में है तो सब सब लॉर्ड तक जाएंगे। ये तीनों चीज जो असेंडेंट बना है होरेरी चार्ट का, असेंडेंट ऑफ होरेरी सीट नंबर के बेस के, इसके
राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों ही प्लैनेट क्या होने चाहिए, आरपी में होने चाहिए। अगर ये आरपी में है फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ आरपी तब भी आप कह सकते हैं कि वो मतलब यस काम हो जाएगा। अब ये तीनों आना चाहिए आरपी में सर, एक ही आना चाहिए कोई? नहीं, ये तीनों इसेंशियली तीनों ऑल थ्री ऑल। और ये सेकंड रूल ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेल कर गया तो सेकंड पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को भी देखना है और सेकंड को भी देखना है। नो, ये फर्स्ट रूल अप्लाइज करेक्टली वहीं पर प्रेडिक्शन होगा कि यस। अगर फर्स्ट नहीं हुआ, आंसर यस नहीं मिला, तब सेकंड रूल पे आते हैं। और सेकंड अगर यस कहता है तो यस, नो कहता है तो नो, दोनों एक साथ जोड़ करके नहीं है, अलग अलग है। एक एग्जाम्पल हम उसी पर ले लेते हैं, जैसा कि आप 84 के बताए, तो 84 में अगर हम थोड़ा सा देख ले अभी का आरपी क्या पोजीशन। अभी आरपी जो है सो तीन चीजें इसमें लेंगे हम लोग, असेंडेंट का साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड सैटर्न एंड सन। अभी जो है आरपी असेंडेंट सैटर्न सन, इसमें दो ही प्लैनेट लेकर के चलते हैं, वो राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। और इसी प्रकार से मून का लेकर के चलिए पोजीशन, राशि लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड, उनकी पोजीशन कुछ देर पहले की है, वो नहीं अभी अभी की हमने यहाँ पर नोट की। मून की पोजीशन मून मरकरी, मून इज इन ओन साइन, मून मरकरी। और एक केपी में आपको बताइए कि डे लॉर्ड को लेकर के चलते हैं, तो आज मंडे है, आई नीड दिस रूल राइट। तो हमारे पास में जो रूलिंग प्लैनेट्स मिल गए, वो अगर सीरियली लिखूं मैं तो मून, मून से भी पहले आता है सन, सन मून मरकरी एंड देन सैटर्न, ये चार प्लैनेट मिलते हैं रूलिंग प्लैनेट। तो ये जो यहाँ कहा गया कि राशि लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड, ये कौन सा था, लियो में सन केतु केतु। तो सन तो है लिस्ट में, सन इज इन लिस्ट ऑफ, बट केतु इज नॉट देयर, तो नहीं हुआ, इसका आंसर नो हो जाएगा। एक और रूलिंग प्लेन के लिए खासियत बताता है, राहु और केतु किसी प्लैनेट के स्टार में हो और वो एपियर हुआ हो रूलिंग प्लेनेट के लिस्ट में, उस प्लेनेट से ज्यादा राहु और केतु स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, उसके रिजल्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, हम लोग जो सीआईए करते हैं उसमें थोड़ा अलग है, हम लोग उसमें करते हैं कि जैसे राहु एपियर हुआ है कहीं पर, रूलिंग प्लेनेट में राहु है, तो राहु को हम तीन तरह से लेंगे, राहु एज राहु, फिर लेंगे राहु एज एज राशि लॉर्ड, राशि लॉर्ड जो भी उसका राशि लॉर्ड होगा, और एज नक्षत्र लॉर्ड, तीन तरह से लेंगे अगर राहु हुआ तो। लेकिन यहाँ उल्टा है, जैसे सब कुछ के लिए यहाँ कहा गया कि सन मरकरी सैटर्न, देखते हैं कि राहु और केतु इसमें किसी पे, ये वीनस राहु है और मार्स केतु है, वीनस और केतु एपियर हुआ ही नहीं है लिस्ट में, वीनस और केतु नहीं हुआ है लिस्ट में एपियर यहाँ पर, तो उसको राहु केतु को भी रूलिंग प्लेनेट नहीं माना गया। तो ये जो प्रश्न किया गया था, जो भी मन में रहा होता क्वेश्चन, उसका आंसर निगेटिव था, नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये वाला लेकर के चलते हैं,
24 सीट नंबर दिया गया है, उसके हिसाब से बनाइए कि क्या असेंडेंट बनेगा। ये बन गया है उसी के हिसाब से, ये प्लेनेट की पोजीशन आप देख रहे हैं। चार्ट पूरा नहीं दिख रहा अभी, नहीं दिख रहा है यार। हाँ सर, हम दिख रहे हैं जी। ये चार्ट बन के आ गई है सीट नंबर 24 के अकॉर्डिंग डाटे पर। तो वो कहता है जो थ्योरी, इसको हम लोग ये वाला हिस्सा नहीं देखेंगे, है इसमें प्रोविजन फिर भी, क्योंकि वहां तक की बात नहीं। सबसे पहला जो रूल कहता है कि असेंडेंट सबलॉर्ड क्या होना चाहिए, मून इट सेम एज नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ मून और असेंडेंट, मतलब नक्षत्रा लॉर्ड मून का या नक्षत्रा लॉर्ड असेंडेंट का। असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि असेंडेंट का सब लॉर्ड मेरा क्या है। हियर असेंडेंट सब लॉर्ड इज सन, सन ठीक है। और वो कहता है कि मून का स्टार लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड क्या है, यहाँ पर इसमें पढ़ लेते हैं इट इज केतु। असेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या है, स्टार लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड, और वो असेंडेंट का स्टार लॉर्ड तो ये है केतु, केतु केतु ये। सवाल के हिसाब से असेंडेंट सब लॉर्ड शुड बी सेम एज, मतलब आइडेंटिकल कहिए, एज स्टार लॉर्ड ऑफ मून और असेंडेंट। तो ऐसा केस तो हुआ नहीं, ये सन है और वो केतु है, ये हुआ नहीं, हुआ नहीं। तो जब ये वाला कंडीशन फेल कर जाता है तब वो दूसरे कंडीशन पर आते हैं, ऑल द थ्री प्लैनेट्स शो रूलिंग असेंडेंट शुड अपीयर इन लिस्ट ऑफ आरपी। तो पहले ये देख लेते हैं शो रूलर कौन कौन से, शो रूलर ऑफ होररी असेंडेंट चार्ट। तो यहाँ पर तीन प्लैनेट मिले हैं, मार्स केतु एंड सन, मार्स केतु एंड सन, ही शुड अपीयर इन लिस्ट ऑफ आरपी, ये ग्रुप ये कहता है। तो चलिए सबसे पहले अब आरपी निकालना होगा हमें कि आरपी क्या है। आरपी तीन प्रकार के होंगे, एक तो कि असेंडेंट के, उसको बोलिए राशि लॉर्ड, दूसरा बोलिए नक्षत्र लॉर्ड, फिर मून का, और एक डे लॉर्ड लेता ही है तो डे लॉर्ड भी लिख लीजिए। चलिए तो ये हमें उस दिन का डालना पड़ेगा डेट वगैरह, उसके हिसाब से केतु। ये तो होररी का है, ये होररी का, तो होररी के नंबर से 24 नंबर डाला गया उसके अकॉर्डिंग बनेगा, और वो टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा। मैंने कहीं इसको किया हुआ था, इसको Thank you.
अब तो गए सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, ऑडियो नहीं आ रहा था। अब म्यूट बटन दबा हुआ था, मैं चिल्ला रहा हूँ, सुने ये म्यूट बटन दबा हुआ है, किसी प्रकार से तब क्या होगा। जल्दी चलिए, ये हॉरोस्कोप जो है सो वो थोड़ा सीट नंबर डला, लेकिन वो CIL का सीट नंबर डल गया, वो उस वजह से क्या हुआ। हाँ
कि वो एरिज का ही ले लिया, वो टॉरस का देना चाहिए था, वो मिस्टेक हो गई, तो उसको जस्ट एक ठीक करने से दुरुस्त हो गया, वहां गलती हो गई थी। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बात, ये पहला जो रूल कहता है, पहला रूल कहता है असेंडेंट सब लॉर्ड टोरेरी का, असेंडेंट सब लॉर्ड इज जुपिटर शुड बी सेम, कैसा सेम होना चाहिए, एज नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मून और असेंडेंट। ठीक है, तो ये नक्षत्र लॉर्ड मून का देखिए, मून का एनएल कौन है, मून का एनएल केतु, केतु प्लेनेटरी पोजिशन वही थी, सिर्फ वो चेंज हो गया था। और असेंडेंट का स्टार लॉर्ड कौन है, सन है, सन। तो एक तो की वो थ्योरी फेल हो गई, ये आइडेंटिकल मिला नहीं, और अगर मिल जाता तो कहते कि चलिए हो गया। ये कंडीशन फेल होने पे दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, को रूलर ऑफ असेंडेंट, को रूलर तीन प्लैनेट बनते हैं, कोरेली असेंडेंट, दैट इज राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, ऑल द थ्री शुड बी इन द लिस्ट ऑफ आरपी। तो लिख लीजिए कि ये को रूलर कौन से बनते हैं, वीनस बनते हैं, सन बनते हैं, जुपिटर, ठीक है जी, और एक और प्लेनेट बन गया जुपिटर, जुपिटर तो बना ही बना, ये हो रही नंबर के अनुसार आया है, कोई बहुत रूल इसमें नहीं लगा। अब चलते हैं आरपी बनाते हैं, प्लेनेट असेंडेंट के यहाँ लिख दीजिए आर एल 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 और लॉर्ड, हमें पता है कि कौन सा था, मरकरी का क्वेश्चन है, और मून की जो पोजीशन हमें लिखी थी वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मून तो वही, खैर मून तो यहीं से दिखेगा, कहां से, यहां से मार्स के, मार्स के, और असेंडेंट उस समय क्या था, उस समय असेंडेंट एरीज में 28 डिग्री था, वो आता है मार्स एंड सन, मार्स एंड सन। तो इस प्रकार से रूलिंग प्लेनेट आप बना सकते हैं, मार्स मरकरी केतु, ये प्लेनेट बनते हैं। तो कहता है दीज शुड बी इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लेनेट, को रूलर ऑफ असेंडेंट शुड बी इन द लिस्ट ऑफ, वी आर नॉट फाइंडिंग वीनस इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लेनेट, ठीक है, सन मिल रहा है, जुपिटर नॉट मिल रहा है। तो कहता है ऑल थ्री शुड बी आर, तीनों को होना है, तो ये आंसर कह दिया हमने कि नो, वहां भी नो था, यहाँ भी नो ही हो गया, तो बड़ा सटीक है और बड़ा जल्दी में हो जाने वाला है, बहुत टेंशन इसमें नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ यस या नो के क्वेश्चन इसमें दिए गए, यस और नो वाले ही क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो चीज है, बहुत से ज्योतिषी पंडित होते हैं वो मन में ही एक मिनट के अंदर आंसर दे देते हैं सोच कर, जैसे शुरू शुरू में मैंने बताया था आपको कि आप आंसर दे सकते हैं, काम होगा कि नहीं होगा, जल्दी होगा कि देर से होगा। तो ये जो है सो एक असेंडेंट ऐसा 12 खाना बना लेना है, और ये असेंडेंट की पोजीशन पे कहना है कि एक नंबर लिखो ये, और यहाँ पर उसने जैसे कि 3 लिखा, 9 लिखा, जो भी लिखा उसके आधार पर आपका प्रेडिक्शन हो गया, तो बड़ा जल्दी आप प्रेडिक्शन कर दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कब आए, ये रूलिंग प्लेनेट के मदद से जो करने वाले काम है उनकी बात करें।
ये क्वेश्चन पुट किया गया, 6 बजे बिजली चली गई, लगभग आधे घंटे बीत गए, बिजली नहीं आ रही है और एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। तो जब कोई ज्योतिषी हो जाता है तो वो दूसरे क्या पूछेंगे, खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहता है, लगा करके देखा गया कब आए। तो ये बात आपको भी पता है, मुझको भी पता है, ये एक ऐसी घटना है, ऐसी इमेज है जो हर हाल में होनी है ना। इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी रिस्टोर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, आना ही आना है। तो जिस घटना के बारे में श्योर है कि होगी ही होगी, तब क्या कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन, और उसके लिए रूलिंग प्लैनेट विल बी हेल्पिंग टू, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें जानना है ये प्रोबेबल टाइम पीरियड, वी हैव टू नो दैट द इवेंट विल हैपन। अब जैसे कि बिजली गई है तो हमें भी पता होगा कि हमारे इलाके में 2 घंटे जाती है बिजली, या 10 मिनट के लिए जाती है, या फिर दिन दिन भर के लिए गायब हो जाती है। तो एक आइडिया हमें हो जाता है इस तरह की घटनाओं के बारे में, जब प्रोबेबल टाइम पीरियड हम जान जाते हैं किसी भी इवेंट्स के लिए बोलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है जिसको मूव किया जाए। तो बिजली गई है 10 मिनट 5 मिनट में आ सकती है और घंटे डेढ़ घंटे के अंदर आ सकती है, ज्यादातर यही पोजिशन होता है। कुछ तो शहरों में ऐसा होता है कि शायद ही कभी जाती हो बिजली 2-4 महीनों में एक आध बार। तो आपके लिए फास्टेस्ट टूल क्या है, असेंडेंट इज फास्टेस्ट, ठीक है ना। असेंडेंट कितनी जल्दी मूव करता है, 2 घंटे में मूव करता है। इस 2 घंटे में भी आपके पास असेंडेंट में 3 स्टार राइज करेंगे, मतलब 9 उसके पदा चुक गए, तो लगभग कितने कितने मिनट हो गए, 45 मिनट का मान के चलते कि एक नक्षत्र होगा तो हमारे पास, अच्छा उसमें भी फिर सब होगा, उसमें भी 9 है, तो 5 मिनट 7 मिनट का हमारे पास में टाइम गैप बन जाता है। हम बता सकते हैं कि उसमें किस में आना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो हो सकता है कि दिन भर लगाते, तो उसमें हमारे लिए जो टूल बनता है वो मून ही बनता है। फिर जैसा असेंडेंट में था वही बात इसमें भी, मून टेक्स 24 आवर्स, और उस 24 आवर्स में जैसे असेंडेंट ने 3 स्टार को क्रॉस किया, ये भी 3 स्टार को क्रॉस करेगा, तो 24 घंटे रहता है वो 1 स्टार में, उस स्टार के अंदर फिर 9 सब स्टार आते हैं जिसको सबलॉर्ड कहते हैं हम, तो वो टाइम का और गैपिंग आपको छोटा कर देता है। इस प्रकार से कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो महीना में होने वाला हो घटना, ठीक है, तब वहां सन का मूव करेंगे। कोई ऐसी घटना होने वाली होगी जैसे मैरिज की, साल 2-3 साल बाद होगी, तो साल फाइंड करने के लिए भाई जुपिटर का कौन सा साइन चल रहा है, जुपिटर अभी ट्रांजिट में वो साइन फेवरेबल है कि नहीं है, उसके अनुसार हम उसको आगे पीछे मूव कर लेंगे। तो बिजली वाली जो चीज है इलेक्ट्रिसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ असेंडेंट को मूव करने से काम चलेगा। जैसे घर से मोबाइल प्राप्त की गई है मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, सामान लाने के लिए, तो 2-3-4 घंटे लग सकते हैं उस खरीदारी में, आने में जैम की समस्या हो सकती है तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो उसमें भी असेंडेंट ही हम मूव करेंगे और उस प्लैनेट को रख देंगे जो रूलिंग प्लैनेट में से होगा। रूलिंग प्लैनेट में भी वी हैव टू फाइंड आउट ए स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट, जो स्ट्रॉन्ग हो उसके हिसाब से। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं कि बिजली कब आनी चाहिए, कब आई, आप देख ही रहे हैं, और उसको इसमें हम प्रॉमिस पर जा ही नहीं रहे क्योंकि प्रॉमिस है, ये बात हमें और आपको सबको पता है कि ये होने वाली है। ये 245 नंबर सीट दिया गया था उसके आधार पर बना है, 245/245। क्या कीजिएगा इसमें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रूलिंग प्लैनेट चाहिए, और ये देखिए कि होगी कि नहीं होगी, ये जल्दी होगी कि, तो फिर वो रूल कहता है, एक रूल ये कहता है कि इफ असेंडेंट सब लॉर्ड इज मून और इट्स स्टार लॉर्ड और असेंडेंट सब लॉर्ड, ये हो गया असेंडेंट सब लॉर्ड इज मून और मून का स्टार लॉर्ड जो है वो मून हो,
तो इस केस में दोनों ही मून ही मून है, प्लैनेट है, प्लैनेट वैसे तो देखिएगा मून ही मून मिल रहा है इसमें। कहता है कि सेंडेंट का सब लॉर्ड या मून का स्टार लॉर्ड अगर मून हो तो वो काम जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में असेंडेंट का सब लॉर्ड मून है, तो एक तो कंफर्मेशन यही से मिल गई। दूसरी बात, मून का स्टार लॉर्ड भी खुद मून ही है, वो भी कंफर्म कर रहा है कि यस इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिस्टोर्ड शॉर्टली, जल्दी हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं रूलिंग प्लैनेट पे। रूलिंग प्लैनेट पे तीन चीजें लीजिए, असेंडेंट मून और फिर डे लॉर्ड। असेंडेंट का रूलिंग प्लैनेट क्या होगा, ये वाला तो चलेगा नहीं कि चलेगा, वो तो पुराना है ना, पुराना है क्योंकि ये सिक्स नंबर के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है ना, तो ये पाइसेस है, लेकिन वो उस समय था ये आपको मिथुन में 27 डिग्री, तो वो उसके अनुसार पे आपको हो गया मरकरी और 27 डिग्री था तो जुपिटर हो गया। मून को यहां से देखिए आप, मून की पोजीशन ये है आपको सैटर्न एंड मून, और डे लॉर्ड को देखता है, वीनस मुझे याद नहीं आ रहा है, नया बना के देखते हैं। आप बना दीजिए यहाँ लिस्ट रूलिंग प्लैनेट की, सबसे पहले मून, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न। प्लस करने का मतलब है कि जो प्लैनेट रिपीट होते हैं एक बार दो, एक बार से ज्यादा दो बार तीन बार, तो प्लस कर दीजिए, मतलब स्ट्रॉन्ग है इस पोजीशन को दिखाने के लिए। रूल क्या कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, जल्दी होने वाला है काम, ठीक है। तो ये तय किया गया कि थोड़ी देर में 6:30 बजे की घटना है, तो हमारे पास मान के चलते कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये सब हो जाना चाहिए। तो आधे घंटे के अंदर कौन सा ये असेंडेंट का साइन होगा, स्टार होगा और सब होगा, ये डिसाइड करना है, और वो डिग्री हम फिक्स कर लेंगे, उसके आधार पर एफएमरीज के मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से देख लेंगे कि कितने बजे होगा। तो इसका बनाना है हमें, जुपिटर का ट्रांजिट वो लग्न उसी वक्त का है, टॉरस चल रहा है, तो टॉरस के बाद में हम देखते कि ये वीनस, वीनस इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ पार्टी, तो वीनस वाले में नहीं हो पाएगी। तो वीनस के बाद में कौन सा आता है, टॉरस के बाद सर वो आएगा मिथुन, मिथुन है और कर्क का, सॉरी कह रहा हूं जेमिनी ही चल रहा है, ठीक है ना, जेमिनी, तो वो कर्क राशि माना गया कि कर्क राशि में जब चलेगा तब होगा, क्योंकि इसका लॉर्ड मून है और मून अपीयर होता है रूलिंग प्लैनेट के लिए, तो ये साइन लॉर्ड बना दिया गया इसको, साइन लॉर्ड ऑफ असेंडेंट। जब हम साइन लॉर्ड फिक्स कर लिए कि कर्क है, कर्क में तीन स्टार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, जुपिटर, जुपिटर सैटर्न, नहीं मरकरी जुपिटर, मैं गलती बोल रहा हूँ सर, जुपिटर सैटर्न मरकरी, यस जुपिटर सैटर्न और मरकरी, तो इसमें सबसे पहला आता है जुपिटर का, फिर सैटर्न का, फिर मरकरी का। तो देखिए जुपिटर भी हो सकता है, सैटर्न भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी हो जाना है काम,
तो बाद वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद वाला तो लगा देगा डेढ़ घंटा और सवा घंटा। तो जुपिटर को ही सेलेक्ट कर लिया गया क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपीयर हुआ था, ठीक है। तो पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु उसको मान लिया गया, यानी कि जुपिटर को क्या बनाया गया, स्टार लॉर्ड बना दिया गया। अब इसमें सब फिक्स करना है कि सब कौन सा होगा, ठीक है। दो प्लेनेट तो हम लोग फिक्स कर चुके हैं। अच्छा, ये जो आता है पोजीशन, उसको हम डिग्रियों में देख सकते हैं। फिर सब देखिए, अब ये कहता है जो मैंने एक पहले बताया है आपको रूल, इफ राहु इन केतु इज इन ए स्टार दैट इज इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट, कोई स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऑफर करने के लिए। तो यहां देखते हैं राहु और केतु, राहु इज इन द मून एंड मर्करी, केतु इज इन द सैटर्न एंड मून, ठीक है ना। हमने मून का इस्तेमाल कर ही लिया है, एक बचा हमारे पास में सैटर्न और दूसरा बचा मर्करी, ठीक है ना। मून का इस्तेमाल हो गया है, जुपिटर का इस्तेमाल हो गया, तो मर्करी और सैटर्न बचता है। और ये दोनों ही प्लैनेट एक तो भी राशि के लॉर्ड बनते हैं केतु के, और एक बनते हैं स्टार लॉर्ड राहु के। तो स्टार लॉर्ड राहु है, मर्करी इज स्टार लॉर्ड ऑफ राहु, हेंस इट वाज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर प्लैनेट दैट विल ऑफर द रिजल्ट ऑफ मर्करी। तो ये इसमें लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, मगर ये राहु इंक्लूड हो जाता है, केतु भी इंक्लूड होता है, लेकिन राहु यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि वो उसके स्टार में है। तो सब भी एक फिक्स कर लिया गया कि सब हमारा राहु हो सकता है। अब ये पोजीशन देखिएगा चार्ट को भी आपके पास में, कि साइन ऑफ क्या होना चाहिए, मून जुपिटर एंड राहु किस डिग्री में आते हैं, मून जुपिटर एंड राहु यहां पर है, मून जुपिटर राहु कहीं देखिए, ये दिखाई दे रहा है, 5 नंबर है, मतलब ये कर्क राशि में 1 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है, 3 डिग्री 20 मिनट तक जाता है, कर्क 1 डिग्री 20 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट, ये असेंडेंट राइज करे उस प्लेस पे तो ये इवेंट हो जाएगा, ठीक है। कितने बजे होगा, तो वो टाइम था ये जो शुरुआत होती है 6:39 से लेकर के 6:47 का, मतलब 8 मिनट का, चूंकि राहु है तो राहु जुपिटर सैटर्न और मरकरी ये चारों प्लैनेट थोड़े लंबे चलते, तो ये टाइम पीरियड फिक्स किया गया कि इसी समय लाइट आनी चाहिए, ठीक है। लाइट कितने बजे आई, 6:40 पे, ठीक है। अब अगर हमको या आपको करना हो प्रेडिक्शन, तो जरूरी नहीं कि हमने 6:39 कहा तो 6:39 में आएगा, हो सकता है हमने ये साइन लॉर्ड तो फिक्स कर दिया सही से और स्टार लॉर्ड भी फिक्स कर दिया सही से, लेकिन इस सब में हम राहु न लेकर के केतु भी ले सकते थे क्या, अगर ये पोजीशन होती, सपोज कीजिए कि इस यहां पे ये केतु इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न, ये उल्टा होता, सपोज कीजिए सैटर्न राशि लॉर्ड न बनकर सब लॉर्ड बना हुआ था, तो आपके लिए भी मुश्किल होती कि किसको फिक्स करें, मरकरी और सैटर्न दोनों ही रूलिंग प्लैनेट में अपीयर हुए, किसको रूल आउट करें, किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। तो लाइट चाहे वो केतु वाले में आ सकती है या फिर राहु वाले में आ सकती है सब में, और राहु और केतु में तो बहुत डिफरेंस है, क्या केतु शुरुआत में आता है और राहु लगभग बीच में आता है ना, तो कुछ टाइम गैप आपको वो मिल सकता था। जैसे उसको अगर नोट कीजिएगा कि जुपिटर कितने में आता है, देखिए तो ये पोजीशन मून जुपिटर, सॉरी इसमें मून जुपिटर केतु आता ही नहीं है ना, आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, तो फिर वो राहु ही बचता है। तो देखिए इस प्रकार से क्या करते हैं, ये रूलिंग प्लेनेट भी हेल्प करते हैं,
कुछ तो रूल आउट अपने आप ही हो जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है प्रेडिक्शन करने का, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, करना चाहिए। और बोलिए कुछ, या कहिए तो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कुछ और। ये तो होरारी का था सर, गोचर की और कोई पद्धति भी है? देखिए गोचर की अनेक पद्धतियां हैं, गोचर की जो पद्धति आप जानते हैं वो बताइए। गोचर की अपन यही CIL में जो करते हैं वही ज्यादा जानता हूँ। एक तो कि बेल सिस्टम जो है वो उसको कहते हैं, जो अष्टक वर्गा का इस्तेमाल करते हैं हम, गोचर का है ना, ज्यादा रहा अष्टक वर्गा? नहीं सर, उस तरफ में ज्यादा जाता नहीं मैं, ये KPR नहीं जाते नहीं, जो पद्धतियां हैं उसके बारे में कह रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा गोचर का ये तो नहीं, तो ठीक है छोड़ दीजिए इसलिए, क्योंकि वो तो इतने रूल है उसके कि कहीं ना कहीं तो फिक्स हो जाएगा। जैसे कहेगा कि गुरु का ट्रांजिट इस साइन से हो या उसके त्रिकोण से हो, तो त्रिकोण जैसे ही कह दिया तो ये सपोज कीजिए कि अगर ये एरीज साइन बताया कि एरीज में ट्रांजिट हो जुपिटर का, तो यही इवेंट बने हुए मैरिज बने, तो फिर लियो में जाए तब भी हो सकता है और सेजिटेरियस में जाए, तब तो 5-5 साल का हमारे पास में वो होके घूमने लगे, कहाँ हम किसको फिक्स करेंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये। अब ये जो KP है या फिर CIL है या नाड़ी सिस्टम जो है, ये इसमें सटीकता बढ़ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं ट्रांजिट, इसमें ट्रांजिट को देखना चाहिए हमें, ट्रांजिट किसी न किसी साइन में होगा, उसका साइन नोड होगा, फिर वो स्टार नोड होगा कोई ना कोई उसका, तो ज्यादा नहीं सब तक नहीं जाते हम, सिर्फ जाते हैं अभी साइन नोड पे। जिस भी साइन में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा हो वो साइन नोड जो बनेगा एक प्लेनेट बनेगा। सपोज कीजिए जुपिटर ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न, लॉर्ड इज सैटर्न, तो अब ये सैटर्न को देखिए, इज सैटर्न ए फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर फॉर दैट इवेंट, अगर मैरिज होना है तो हम मैरिज देख लेंगे उसके नेचर और उसको सैटर्न को, सैटर्न 5-11 बना रहा है रिलेशन, तो हमने समझ लिया कि यस दिस इज फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। तब क्या करेंगे, तो जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न कैप्रिकॉर्न में हम मान लेंगे यस दिस विल गिव द रिजल्ट। अगर ये हो गया तो सैटर्न में भी, अब कैप्रिकॉर्न में भी आप देखेंगे 3 स्टार होंगे, होंगे 3 स्टार कैप्रिकॉर्न में सर, सन कैप्रिकॉर्न में सर, हाँ सर होंगे सन, सन मून एंड मार्स, ठीक है ना, सन का भी हो गया, मून का भी हो गया, मार्स का भी हो गया। अब आप देखिएगा ये सन फ्रूटफुल है कि नहीं, मून फ्रूटफुल है कि नहीं, मार्स फ्रूटफुल है कि नहीं, हो सकता है कि 2 प्लैनेट फ्रूटफुल नहीं हो या 1 प्लैनेट फ्रूटफुल नहीं हो, तो जो बच गया उसके स्टार में जाएगा, तो फिर जैसे हमने इस प्लैनेट को देखा था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये सन फ्रूटफुल टू दिस और नॉट। अब देखा कि सन 5 में स्टार में है और सब में 4 हो गया, तो ये फ्रूटफुल तो बिल्कुल नहीं है, तो सन वाला इन्वाइट कर दीजिए। मून और मार्स को देखा, मून एंड मार्स दोनों ओके है, तो दोनों के हैं, तो चलिए ये यहाँ तक पीरियड मिल गया मुझे कि इस पीरियड से इस पीरियड तक ट्रांजिट जो चल रहा है वो फेवरेबल है, तो ये गैप को कम कर दिया, क्योंकि जुपिटर 12 महीने के लिए था एक साइन, अभी वो 12 महीनों में 3 स्टार में जाना है, तो कितना कितना दिन हो गया, लगभग 3-4 महीने का आपको आ गया है ना, 3-4 महीने कहने का मतलब है 3-4 महीने, 7-8 महीने का, दो क्योंकि दो सब हम दे रहे हैं दोनों को, तो इसमें अब इतना हद तक हम पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद में हम ट्रांजिट ऑफ सन लेकर के चलेंगे। सन का भी यही होगा कि किसी न किसी वो साइन में चलेगा, तो साइन 3-4 महीनों में 3-4 साइन आएंगे, उसमें फिर उसी साइन नॉट को देखिए, इज इट फ्रूटफुल, फ्रूटफुल है तो ठीक है, नहीं फ्रूटफुल है तो मूव करेंगे। अब आप हो सकता है कि ऐसा देखें कि यहाँ फ्रूटफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, और जब ये जिस समय फ्रूटफुल बना तो तब तक आप देखते हैं कि ये ट्रांजिट जो था पार कर गया,
इसमें से पार कर गया, मून से पार होकर वो मार्स में आ गया, और मार्स फेवरेबल बना ही नहीं हमारा। सपोज कीजिए यहाँ हमने फेवरेबल बताया था, तब क्या होगा? तो ये पीयर नहीं दे पाया इवेंट, तो फिर ट्रांजिट अगले साइन में जुपिटर क्या देखिए, कैप्रिकॉर्न से आगे पाइसेस में, क्योंकि यहाँ सन तो अब हमारा फेवरेबल अब बन गया था। हो सकता है कि अब ट्रांजिट जुपिटर का जो उसमें हुआ है पाइसेस में, जुपिटर खुद फेवरेबल प्लैनेट रहा हो। ये इस प्रकार से हम लोग ट्रांजिट को देखते हैं। ट्रांजिट किस किस का देखना चाहिए सर? ट्रांजिट एक्चुअली क्या, मैं कंफ्यूज हो रहा, क्या दशा का भी, दशा के ग्रहों का भी ट्रांजिट में कोई रोल रहता है? बिल्कुल रहता है, वही तो मैं बता रहा था आपको। ट्रांजिट किसका देखेंगे? हमेशा ही ट्रांजिट देखना है तो जुपिटर का देखना है, राइट? वो तो देखेंगे, बिकॉज इट टेक्स वन ईयर, एक साल लेता है किसी, तो साल को बताने के लिए जुपिटर ही प्लेनेट है। कहेंगे जब आप नष्ट जातकम पढ़ेंगे लॉस्ट हाउस को भी, तो उसमें जुपिटर का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द बर्थ ऑफ ईयर, ठीक है? तो जुपिटर का हमें किसी भी इवेंट के ईयर फाइंड आउट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मंथ फिक्स करने के लिए सन का जरूरत पड़ेगा। अभी आप नहीं सुन रहे थे, दशा प्लैनेट का वही आ रहा हूं। दूसरी बात कि किसी ने किसी की महादशा चल रही होगी और किसी ने किसी की अंतरदशा चल रही होगी, तो महादशा जो स्वामी है जिसको बोलते हैं दशा लॉर्ड, ये दशा लॉर्ड का, सपोज कीजिए दशा लॉर्ड चल रहा है मरकरी की महादशा, तो मरकरी का ट्रांजिट भी देखना है। इट मस्ट एग्री, जैसे जुपिटर के ट्रांजिट यहाँ देखा हमने कि एग्री किया, ऐसे ही मरकरी का भी हम देखेंगे, मतलब जो भी एमडी होगा महादशा लॉर्ड होगा उसका देखना है, अंतरदशा का भी देखना है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, 2 मिनट और 1 मिनट में आंसर देने की चीज नहीं होती, ठीक है ना? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप करते हैं तो। दूसरी बात है कि हॉरोस्कोप जो आएगी, आप अगर CIL कर रहे हैं, CIL सब सब लॉट बेसिस पे होता है, और 12 खानों में अगर सब सब लॉट आप देख रहे हैं, एक सब लॉट को जैसे ही हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं असेंडेंट का, तब तक हो सकता है 4th या 7th कष्ट का सब सब लॉट चेंज हो जाए। अब वो चेंज हो गया तो क्या हो गया वो पोजीशन, देखिए जरा, ये अभी चार्ट एक खुला हुआ है, ठीक है? कुछ नहीं करूंगा मैं, एक सेकंड पीछे करूंगा और ये हॉरोस्कोप में प्रॉमिस बदल जाएगा। आप ये देखिए 7th कष्ट का सब सब लॉट कौन है? 7th का सब सब लॉट केतु सर, केतु है। और आप टाइम देखिए 7:55:10 का है ना, मैं सिर्फ 1 सेकंड पीछे करूंगा, 9 सेकंड बनाऊंगा। अब आप देखिए 7th का सब सब लॉट कौन है? मरकरी। अभी तक जो हम प्रेडिक्शन करने वाले थे कि ये थे, अब क्या वही प्रेडिक्शन रह गई? नहीं, मरकरी इज इन स्टार ऑफ सन एंड केतु इज इन स्टार ऑफ मून। सन और मून में बड़ा अंतर, सन 5th में है और मून 6th में, अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। अपोजिट कहने का मतलब क्या है, अगर हम 6th का सिग्निफिकेशन देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, डिजीज देख रहे हैं, डिजीज बता रहे हैं, और उधर वो सन हो गया, तो वो तो उल्टी बात हो गई। इसलिए बड़ा इसमें सावधानी की जरूरत है सब सब लॉट होने की वजह से। अच्छा, और ज्यादा अगर 2-4-5 सेकंड मैं बढ़ा देता, ज्यादा नहीं 10 सेकंड था ना, मैं 14 या 15 सेकंड करता हूं, तब देखिएगा आप, यहां नोट कीजिए 10th का इसका प्रोफेशन देख रहे हैं, क्या सब सब लॉट है? किसका सर? 10th का इसका सब सब लॉट कौन है? देखिए कर्सर मेरा है सर, कौन सा है उसका? 10th का वीनस सर, वीनस, ध्यान रखिए। ये सेकंड को देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, 9 सेकंड 10 सेकंड था ना, मैं 15 सेकंड करने वाला हूँ, ठीक है? मैं 15 सेकंड करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अभी बताइए कितना सेकंड हुआ है? 10 से 13 किया मैंने, सिर्फ 3 सेकंड पढ़ा है, और आपका प्रेडिक्शन अब हो गया सन, जो वीनस से प्रेडिक्शन होने वाला था। वीनस इज सिग्निफिकेटर क्योंकि केतु के साइन में है और सन वीनस के साइन,
वीनस को पीएस नहीं है, सन को भी पीएस नहीं है, तो जब पीएस नहीं था अपने अपने हाउस का करना नहीं है, तो अब सन वीनस के हाउस का करने गया तब, और वो पहले कुछ और करने वाला था, वीनस करने वाला था उसका पर, वीनस किसके था, केतु के स्टार में, वो फिर वही उल्टा हो जाता था, केतु सिक्स में बैठा हुआ और सन करता तो वीनस के स्टार में, वीनस फिफ्थ में बैठा हुआ, फिर उल्टा होता है। तो बड़ा इसमें जरूरत है कि आप उसको पहले फिक्स कर लीजिए ये रहेगा, ताकि सब ठीक है, लेकिन एक चीज का बदल गया तो उससे कई बातों की प्रॉमिस बदल गई, है ना जी। बहुत जल्दी में देख लाइक, इसलिए मोरारी में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेन्युइननेस नहीं आएगी, तो हम उसको फिर बाद में क्लाइंट को बुला करके देखते हैं। लेकिन इसमें किसी ने बोला कि मेरा जन्म 7:50 हुआ, तो 50 मिनट में सेकंड तो बताया ही नहीं, और अगर बताया भी तो वो फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है 10-20-30 सेकंड पीछे का हो, 10-20-30 सेकंड आगे का हो, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसमें, इसलिए सावधानी की जरूरत है सीआईएल में सब सब लॉट से प्रोटेक्शन करने में। तो अगर जल्दीबाजी करनी हो तो सब लॉट से ही प्रोटेक्शन कर दीजिए, यूज कीजिए कस्ट कोई इंटरलिंक्स का इस्तेमाल कीजिए, सब लॉट से कर दीजिए, बिकॉज सब लॉट 2-4-5 मिनट तक रह जाता है भाई, ठीक है। और सीआईएल भी कहती है कि असेंडेंट को रूलर कौन कौन है, ये सन भी है, केतु भी है, केतु भी है, बाकी चारों मिल के रूल कर रहे हैं, तो चारों अपना अपना अर्थ देंगे। हाँ, सब सब लॉर्ड स्ट्रॉन्गर है, सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टार लॉर्ड गुड स्ट्रेंथ के साथ में है, और ये वीक स्ट्रेंथ के साथ में, लेकिन है तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर है, तब भी तो उस घर का स्वामी है, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। तो आप जो ये कह रहे थे कि ट्रांजिट में किसको लेकर के चलना है, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इसेंशियली एंड नेसेसरीली दशा लॉर्ड का, ये दो होना चाहिए। तीसरी बात जो आप गोचर में और करेंगे उसको प्रोग्रेशन कहते हैं, आप शायद जानते होंगे प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब ये प्रोग्रेशन क्या है, सुने होंगे आप, ध्यान है, नाड़ी का आवाज आ रही है, देखिए हाँ सर, आप नाड़ी का प्रोग्रेशन, नाड़ी का प्रोग्रेशन या फिर उसको जिसका भी प्रोग्रेशन कहिए, प्रोग्रेशन है क्या, हमने वर्ड जरूर इस्तेमाल किया है प्रोग्रेशन, लेकिन ये प्रोग्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये वही चीज है, ये दशा देख रहे हैं आप, ये दशा में जी मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, जन्म सपोज कीजिए 8 जनवरी 1981 का जन्म है इसका, मैं क्लिक करता हूँ 8 जनवरी 1981, आप देखिएगा दशा क्या थी, चूंकि 7:55 में जन्म है, 7:55 इवनिंग में होता है ये वाला, ठीक है ना, क्या आया मून सन सन सैटर्न मून, ये दशा के पांचों लेवल थे। आप इस हॉरोस्कोप को यहां चेक कीजिए, स्टार लॉर्ड को ही तो दशा स्वामी कहते हैं, मून का, उनका जो स्टार लॉर्ड होता है वही तो दशा स्वामी बनता है, वही दशा स्वामी बना मून, फिर उसका जो सब लॉर्ड है ये देखो, मून का सब लॉर्ड सन, और फिर सब सब लॉर्ड सन, यही यहाँ पर भी सन सन मिला है, और बाकी के दो लेवल चूंकि इसमें और आ गए हैं, यहाँ नहीं है, अगर होता सब 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 तो वो आ जाता, तो वही पोजिशन है मून का, ये प्रोग्रेशन ही कहलाता है, ये जो इसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं, This is the progression of moon. तो कुछ विद्वान या कुछ सॉफ्टवेयर, जिसमें भी मैंने भी मदद की थी सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए, पवन चित्रा जी ने डेवलप किया था, तो वो देते लग्न दशा, चंद्र दशा, मंगल दशा, सूर्य दशा, एक प्लैनेट सन, और सन वीनस के स्टार में, तो वीनस से दशा शुरू करते, तो अगर ये मून की मून का स्टार मून था तो ऐसे करके ये दशा बनी है, हम कहेंगे कि नहीं मान लो कि आप मरकरी की पोजीशन जो है उसके अनुसार बना के दीजिए, तभी तो हम बना सकते हैं, उसी को प्रोग्रेशन कहा जाता है, और कुछ नहीं, तो प्रोग्रेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स शुड आल्सो बी चेक, कम से कम इसका चेक होना चाहिए प्रोग्रेशन,
साल और का प्रोग्रेशन चेक होना चाहिए। जैसे मून की दशा चल रही है, अगर करेंट दशा देखिएगा जुपिटर की चल रही है, तो जुपिटर का प्रोग्रेशन चेक करेंगे कि जुपिटर कहाँ पे पहुंचा है। कैसे? कुछ नहीं करना है, जो विषोत्तरी दिशा में निकालते हैं वही फॉर्मूला वही रूट लगाएंगे, हो जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर को ऐसे प्रोविजन है, चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं वैदिक प्रोग्रेशन ऐसे कर देना, डेट डालेंगे निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका है इसी में है, दशाओं में आदर दशा प्लैनेट के अकॉर्डिंग बनवाया गया था प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। इसी में कहीं था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसमें आप क्लिक करते जिस प्लैनेट को उसकी दिशा आ गई। सारे ये देखिए, जैसे कि विषोत्तरी दशा में मून से निकालते हैं, तो ये मून से दशा वही निकल के आएगी जो उसकी चल रही होगी। अगर हम प्लेनेट चेंज कर देंगे तो जुपिटर, ये जुपिटर के स्टार के अकॉर्डिंग ये दशा बता रही है। हम चाहे तो जैसे लग्न दशा कहते हैं, लग्न दशा कहने का मतलब क्या, लग्न का स्टार लॉर्ड जो हो उसको मान लीजिए कि मून का स्टार था, तो जो बन के आएगी वो उसी को लग्न दशा कहते हैं। तो जैसे लग्न की दशा निकाल सकता है, तो हम कहेंगे कि नहीं दशम भाव का जो स्टार लॉर्ड हो उसकी दशा बताइए, उससे निकाल लीजिए। ये है, तो इसमें प्रोग्रेशन भी ख्याल रखना चाहिए, और प्रोग्रेशन ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देता है, क्योंकि नाड़ी से ध्यान आप पढ़िएगा उसमें प्रोग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मतलब दशा लॉर्ड का प्रोग्रेशन बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, बस करना क्या है कि मान लेना है कि हमारा ये मून वाज नॉट इन द स्टार ऑफ मून, मून वाज इन द स्टार ऑफ सपोज कीजिए कि वीनस का देख रहे हैं केतु, मान लेंगे कि केतु में था, तो जैसे निकालते हैं फॉर्मूला वही फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान फॉर्मूला याद कीजिए, शुरू में ही बताया था मैंने आपको, प्लेनेट ईयर डिवाइडेड बाई 120 और मल्टीप्लाइड बाई 800। ये कर लीजिए, इसी फॉर्मूला से सबका निकल जाएगा कितने भोग्य हो गया और कितने बाकी रह गया भोगने के लिए। यहां से यहां तक 800 वैल्यू, सपोज कीजिए कि 13 डिग्री के बदले वो 10 डिग्री तक पहुंच चुका है, 10 डिग्री पहुंच गया मतलब बचा कितना रह गया उसको, 3 डिग्री 20 मिनट तक रह गया। 3 डिग्री 20 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 180 प्लस 20 200 आ गया। तो अब इसको ए इतने से मल्टीप्लाई ना करके 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसकी भोग्य दशा बच गई, बैलेंस्ड, ठीक है जी। और कुछ पूछना हो तो पूछिए सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सेवन लार्ड शादी के मामले में, अब सब सब लार्ड लेवल पे जो प्लैनेट है वो उसकी क्या बोलते हैं पोजिशनल स्टेटस, उसको सेकंड हाउस आता ही है उसको, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे आप, क्या डिनाई कर रहा है? नहीं, अकेले सब सब लॉर्ड नहीं आता, एक ही पोजीशन थोड़ी दिखाएगा सब सब लॉर्ड,
कौन कौन से दिखा रहा है बताइए। नहीं वो तो बता रहा है 2711 बता रहा, 2711 बता रहे। देखिए CIL में कहा गया कुल्लर साहब के द्वारा कि सेकंड इज नॉट गुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड गुड नहीं है, सेकंड को आप मान के चलिए क्योंकि ये फैमिली का हाउस होता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े विद्वानों ने फैमिली का हाउस कहा है, तो भले कुल्लर साहब इसको कहें कि दिस इज एट, तो एट है तो क्या है, वो फैमिली तो है हमारी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मान भी लेता हूँ सिद्धांत को कि सेकंड हाउस इज डेट्रीमेंटल, इसको इग्नोर कर दीजिए आप, डिमेंट है कि नहीं है, एनिमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल तो है तो ये तो यस है मैरिज के लिए, यस इसको देना ही देना है मैरिज। सेकंड अपना भी असर करेगा, अगर सेकंड डेट्रीमेंटल होता, सेकंड विल कॉज सम डिले ऑफ सेकल, मतलब उसको जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसमें कमी लाएगा, लेकिन जैसे ही एक जगह यस हो गया, मैरिज को कोई डिनाय नहीं कर सकता, मैरिज हो के रहेगी। अगर सिर्फ यहाँ 11th होता अकेला तब भी मैरिज हो जाती, अकेला 7th होता तभी, भले आपको 6th भी आ जाए, भले आपको 4th भी आ जाए, 12th आ जाए, इन सबका भी मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग है यस, इसने यस कह दिया तो हो के रहेगी। आप इसको ये समझिए वीटो पावर, ठीक है, जब वीटो लग गया एक यस हो गया तो हो के रहेगी भले देर से, ठीक है ना। ओके सर, मेरे हिसाब से ये सब सब लॉर्ड का जो सेकंड पोजीशन आता है या फिर स्टार का आता है, इट्स नॉट डेट्रीमेंटल। ये फैमिली हाउस कहा हुआ है तो परिवार जो स्पाउस है वो भी फैमिली होती है ना जी जी, उसको मेरे हिसाब से नहीं काटा जा सकता, ठीक है ना। अब 5 को हम मानते हैं कि मैरिज के लिए क्या है, लव अफेयर हो गया, लव प्यार हो गया, मैरिज के लिए हम इसको मान के चलते हैं 5-7 के लिए, तीनों मान के चलते गुड है। अब 5 को क्यों गुड माने, बहुत सी ऐसी शादियां होती है जिसमें इसका कोई मतलब ही नहीं, आज भी तो बहुत सी मैरिज ऐसी होती है जिसमें 5 का कहीं दिखाई देता है, अभी मैरिज हुई नहीं कि उधर सेपरेशन के लिए तरह तरह की साजिशें शुरू हो जाती है, तो उसमें 5 था क्या, आप बताइए मुझे। नहीं नहीं नहीं, तो ये 5 को हमने रैक तो जरूर दिया है, लेकिन 5 का उसमें वो रोल नहीं है, क्योंकि 5 इज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। तो जो हमारे संस्कारों में शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह किस बात के लिए होता है, तो वो परिवार बढ़ाने के लिए होता है ना, ये इसलिए 5 को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैरिज होती है तो सब में 5 का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब कि 5 का रोल होता ही होता है। बहुत सी ऐसी शादियां हुई जिसमें 5 का पहले से कोई एक्टिवेशन नहीं था, बाद में भी कोई एक्टिवेशन नहीं रहा और मैरिज हुई है, तो मैरिज हुई है तो 7th ही मानिएगा ना मैरिज जी। जी सर, इसलिए मैं समझता हूँ सेकंड हाउस आएगा मैरिज में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। ठीक है सर जी। सर और कुछ नहीं सर। नहीं तो अगले दिन हम लोग इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, आपके मन में जितने भी प्रश्न वगैरह आ गए होंगे, ये जरूरी नहीं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हो रहा है, बाकी जितनी भी आप उसको करके रखिए, कल परसों हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और PRP भी हो ही गया है, टाइमिंग भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है, फिर से हम लोग उसको करेंगे एक प्रकार से, है ना, RP भी करेंगे, टाइमिंग भी करेंगे, बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको भी करेंगे। ठीक है सर, आज के लिए धन्यवाद।